वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मेरठ के हापुड़ चौराहे से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं पुलिस की गाड़ी से महिला कांवड़िया घायल हो गई है। सामने से आ रही तेज रफ्तार क्रेटा कार ने टक्कर मार दी, तो वहीं हापुड़ अड्डे पर भी ड्यूटी पर जा रहे कार सवार सफाई कर्मचारी को भी टक्कर मार दी। नाराज कांवड़ियों और सफाई कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। वहीं कार को छोड़कर मौके से भागा पुलिसकर्मी। कांवड़ियों और सफाई कर्मचारियों ने कार में तोड़फोड़ का भी प्रयास किया और आरोपी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े सफाई कर्मचारी। चार दिन की बात है रोड बंद नहीं होता है। सुनो वो तुमसे बेकायम है वो भैया, अभी गए हैं वहाँ पे। हमारी बोलन आ रही थी बहुत आराम से, और जो कि सफेद वाली गाड़ी है ये कम से कम 100 की स्पीड पे होगी, और पुलिस की है, पुलिस वाला चला रहा था। हाँ। और आया ये सेंट जो कि गाड़ी काली वाली है, ये बहुत आराम से साइड में चल रहे थे और आए, बड़ा देसी मारी और भोलन भी उड़ा दी और गाड़ी भी। अच्छा, कौन घायल हुआ है? भोलन कौन है? वो हमारी भाभी लगती है। कहाँ से आ रहे हो आप? वो आ रहे हैं अलीगढ़ से और मैं हूँ बुलंदशहर का। अच्छा, तो हरिद्वार से चल लेके आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे आप? वो जाएंगे अलीगढ़ और हम जाएंगे बुलंदशहर। अच्छा, तो ज्यादा घायल है वो? हाँ, गंभीर हालत है, सिर में चोट है और पसली टूटी हुई है। अच्छा, क्या नाम है उनका? नाम की पता नहीं है जी अभी। अच्छा, 7 बजे से शुभ इकट्ठे को चलते। ये सफेद वाली गाड़ी आ रही स्पीड से, वो आ रही मंदी, बहुत मंदी, तो आई भड़ाक देसी मारा और भोलिन भी फेंक दिया इसने। क्रेटा वाले ने, सफेद वाले ने? हाँ, सफेद वाले ने। हाँ, और फिर वो कहाँ गया ड्राइवर? वो भगा दिया। ड्राइवर कौन था? ड्राइवर भी पुलिस वाला चला रहा था वर्दी में, वो भगा दिया। हापुड़ अड्डे पे आपको जानकारी है कि एक तरफ से ट्रैफिक चल रहा है और एक तरफ से कावड़ आ रही है, लेकिन बीच में जगह जगह कट्स हैं जहाँ से लोग उसको पार करते हैं। तो ये थोड़ी देर पहले की घटना है, दो वाहन दोनों अलग अलग तरफ से आ रहे थे कारें, एक तरफ से बताया जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी है उसका वाहन और दूसरी तरफ से प्राइवेट पर्सनल वाहन जो कि बाहर तैनात था, और दूसरी तरफ से नगर निगम के किसी कर्मचारी का अपना पर्सनल वाहन, और इनका जो है कुछ डिस्बैलेंस होकर के नहीं भिड़ंत हुई, और जिनके बीच में एक कोई महिला कांवड़िया जो थी उसके चोट लगने की जानकारी मिली, तो तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुँच गई और इस महिला को जो कि हल्की फुल्की जो घायल है उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई गई है। बाहर की रहने वाली है ये, इनके परिजन भी साथ में हैं, और जहाँ तक आपस में दोनों पक्षों जो गाड़ियाँ जो टकराई थी उनके संबंध में जो है कार्रवाई की जा रही है, और इसमें थोड़ी देर के लिए कुछ इस प्रकार की बात प्रचारित हो गई थी कि आपस में किसी प्रकार का रोष है या कोई जंगामा हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है, और उनको समझा बुझा करके यहाँ से दोनों पक्षों से वार्ता करा दी गई, क्योंकि पुलिस और अधिकारी मजिस्ट्रेट साहब मौके पर पहुँच गए थे, किसी प्रकार की कोई लॉर्डर की समस्या नहीं है। जहाँ तक जो गाड़ियों का टकराव है उसमें जिसकी भी गलती है उसके विरुद्ध जो है सही सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी, साथ साथ जो नगर निगम के कर्मी है उन्होंने स्वयं आश्वासन दिया है, और उनके भी यहाँ पे सीनियर अधिकारी आए थे, उन सबने बताया कि हम पूरी नगर की जो व्यवस्था है उसको इसकी जिम्मेदारी अपने हाथ में रखे हुए हैं और किसी प्रकार की अड़चन नहीं आने दी जाएगी, उन्होंने आश्वस्त किया है।